और रामनगर में सड़क दुर्घटनाओं के दौरान व्यवसायिक वाहनों की संलिप्तता पाए जाने पर अब वाहन चालक के साथ ही वाहन मालिक पर भी मुकदमा दर्ज होगा। ये बात उत्तराखंड पुलिस के महानिदेशक ने जनसंवाद कार्यक्रम में कही। रामनगर में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में मौजूद पुलिस महानिदेशक के सामने स्थानीय लोगों ने रामनगर में यातायात व्यवस्था सुधारने और सड़क दुर्घटना रोकने के साथ ही युवा पीढ़ी में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने की मांग की। जनसंवाद कार्यक्रम में मौजूद लोगों द्वारा रखी गई समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए पुलिस महानिदेशक ने कहा कि अब व्यावसायिक वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर चालक के साथ ही वाहन स्वामी के खिलाफ भी धारा 304 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने प्रदेश के सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन दुर्घटनाओं में जांच के बाद यदि वाहन की लिप्तता सही पाई जाती है तो यह कार्रवाई की जाएगी। जो काफी बड़ी संख्या में लोग आए रामनगर क्षेत्र के और ट्रैफिक की समस्याओं पर, ड्रग्स की समस्याओं पर, महिला सुरक्षा से संबंधित, साइबर सुरक्षा से संबंधित बहुत से मुद्दों पर चर्चा हुई और सब पे सकारात्मक चर्चा हुई। और मैं यही आश्वस्त करना चाहूँगा कि उत्तराखंड पुलिस जनता से मिल करके जो एक संवेदनशील पुलिस, रिस्पॉन्सिव पुलिस, जवाबदेह पुलिस बनने की तरफ अग्रसर है और स्मार्ट पुलिस जो देश की बेस्ट पुलिस हो, ऐसी पुलिस की ओर हमारा उद्देश्य है।